नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के आरोप में मंगलवार शाम वन विभाग के मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा ने बताया कि घटना स्थल पर नक्सलियों ने जेसीबी मशीन पर भी डीजल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस मुखबिर करार देते हुए नक्सलियों द्वारा एक हफ्ते में दूसरी हत्या है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नक्सलियों ने मृतक के शव के पास अपना पर्चा छोड़ा है, जिसमें पुलिस मुखबिरी के आरोप में हत्या करने की बात कही गई है। लिंडा ने बताया कि घटना की सूचना मिली है, लेकिन अभी जांच जारी है। मृतक की पहचान वन विभाग में मुंशी के पद पर कार्यरत 25 वर्षीय बोयराम लुगुन के रूप में हुई है। उल्लेखनीय है कि गोयलकेरा थाना क्षेत्र में एक सप्ताह के अंदर नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के आरोप में यह दूसरी हत्या की है। अभी 21 दिसंबर की रात नक्सलियों ने पुलिस मुखबिर करार देते हुए चाईबासा के गोयलकेरा थाना क्षेत्र के कदमदीहा पंचायत स्थित गितिलपी गांव के प्रेम सुरेन नामक एक ग्रामीण की हत्या कर दी थी। बताया गया कि युवक को पहले घर से अगवा किया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। यह घटना बीते मंगलवार की रात करीब 10 बजे की है, जहां देवेंद्र सुरेन के 28 वर्षीय पुत्र प्रेम सिंह सुरेन की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।